वाली बह मावा पिंड यही है तो सामने है जी टेंपल बाबा दयालु जी का, यहाँ का एक फेमस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। सामने बह मावा का स्कूल है, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल, ये छोटा सा टेंपल है पीपल के वृक्ष के पास, सामने लगा हुआ है बह मावा का बोर्ड। पुराने घर ना अभी भी संभाल के रखे हैं बह मावा के लोगों ने। ये हवेली देखिए काफ़ी सुंदर सी है, पढ़ाई ना सोनी हो गई है। तलवारा मकरियाँ रेलवे लाइन के आसपास जितने भी गांव हैं उनको मैं कवर करने वाला हूं इस सीरीज़ के अंदर। और आज का जो गांव मैं विज़िट करने वाला हूं वो है बह मावा गांव। तलवारा से इसकी दूरी है लगभग 5-6 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन यहां से तलवारा का रहने वाला है लगभग 3 किलोमीटर। तो ये वाला रोड है मकेरियाँ से तलवारा, पीछे तलवारा है और सीधा रास्ता जाता है मकेरियाँ को। और बैरियल चौक से बिल्कुल सामने वैसे बोर्ड लगा बह मावा का, इस कैनल के साइड में ना साइड साइड में जाते हुए हम पहुंच जाएंगे बह मावा गाँव। तो बह मावा को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि तो यहाँ से जो रेलगाड़ी होकर जाने वाली है, क्योंकि वहाँ का एक बहुत ही बढ़िया सा विजिटिंग प्लेस बाबा दयालु जी का टेंपल है, वहाँ पर जो विजिटर आने वाले हैं। जब रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनेगा तो आसानी होगी लोगों को। तो गाइस बह मावा गाँव में एंटर कर चुके हैं और ये यहाँ का जी कुआँ जो पुराने होते थे अभी कहीं कहीं मिलते हैं, तो इस साइड सभी गाँव में है वैसे। तो सामने बह मावा का स्कूल है, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल, ये छोटा सा टेंपल है पीपल के वृक्ष के पास, सामने लगा हुआ है बह मावा का बोर्ड। करते हैं अभी गांव को एक्सप्लोर, जैसा है गांव वीडियो को देखते रहिए और मैं बोलता रहूँगा। तो वैसे अभी ना तलवारा से जो मकरियाँ वाली लाइन है सभी गाँव को जो एक्सप्लोर करना है, तो अगर किसी ने एडवर्टीजमेंट भी करवानी हो वीडियो में, जैसे कि नीचे है जो ऐड चल रही है, तो कुछ ऐसी ऐड्स इंटीग्रेटेड वीडियो फुल ऐड भी करवानी हो तो भी उसके हिसाब से उसके अलग अलग चार्जेस हैं। तो आप जो है एडवर्टीजमेंट के लिए भी मेरे को है जो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ ऐसा है बह मावा गाँव। बह मावा गाँव में आने का जो मेन मोटिव है, यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बाबा दयालु जी का टेम्पल है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक बहुत ही बड़े एरिए में। तो धूप काफ़ी है, गर्मियों में इस साइड पानी की ये दिक्कत होती है, पेड़ पौधों को भी अभी पानी चाहिए। तो काफ़ी बड़ा गांव है ये बह मावा, घूमते जाएंगे पूरा बह मावा ऐसे ही घूम लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट का था, किसी को करवानी हो अपनी बिज़नेस की एडवर्टीजमेंट, अपनी शॉप की, आसपास में जो है अपने तलवारा से मकेरियाँ, दौलतपुर से मकेरियाँ तक जितने भी हैं, किसी की भी एडवर्टीजमेंट मैं करूँगा, उसके चार्जेस उसके हिसाब से रहेंगे कैसी आप एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सामने है जी टेंपल बाबा दयालु जी का, यहाँ का एक फेमस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। 30 जून को यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला होता है। इस टेंपल के बारे में कहीं से भी आप सर्च कीजिए, आपको पूरी डिटेल है जो पता चल जाएगी। बाबा दयालु दरबार ट्रस्ट पिंड बह कितो बह मावा जी गाँव है। और टेंपल आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, ये रास्ता सीधा निकल जाता है अपने कमाही वाले रोड से दत्तारपुर वाली साइड को। इस टेंपल को अब अलग से भी एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में जल्दी ही, वैसे किया भी है मैंने, आई बटन में उसका लिंक देने वाला हूँ ना, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी ये गांव पूरा घूमना बाकी। ये क्या है, ये शायद चर्च है, यहाँ पे बह मावा में साइन बना है तो वहाँ से पता चला। दयालु बाबा टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक गाँव के अंदर भी थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि गाँव के अंदर भी कैसा माहौल है। तंग तंग गलियाँ हैं अभी, वैसे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं ना वो नई बन चुकी हैं, पहले थोड़ी पुरानी होती थी स्लोट वाले घर। उसे बिल्कुल सामने अभी भी है वैसे, संभाल के रखे हुए हैं पुराने लोगों ने। और जाके चलना होगा, और ये पुराने घर ना अभी भी संभाल के रखे हैं बह मावा के लोगों ने। ये हवेली देखिए काफ़ी सुंदर सी है, पुराने समय में ऐसी होती थी। हम नीचे को चलते हैं यहाँ से, फिर मेरे हिसाब से वहीं निकलेंगे घूम घाम के। तो कनेक्टेड रहते हैं गांव में इन सड़क से ना, जो गलियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया गाँव है ये बह मावा। तो
काफ़ी बड़ा गांव है ये, छोटा नहीं है। देखने में मतलब दूर से देखेंगे छोटा लगेगा, लेकिन जब अंदर घुसेंगे ना तो काफ़ी बड़ा है। तो ये पूरी ना बह सीरीज है एक, जिसमें लगभग 10 से भी ज़्यादा गांव हैं। बह उनके आगे लगा होता है, बह माबा, बह फतो, बह लखन, हीर वह, बह दरिया, मतलब ऐसे कई सारे गाँव हैं। पढ़ा कि ना ही ना तुम सोने हो गए यार। हाय, चंगा यार। हाय लो जी, बच्चे मिल गए थे रास्ते में बह माबा के गांव में, बोल नहीं रहे, कैमरे को देख ना बोल नहीं रहे थे कुछ भी। चलो वीडियो देखेंगे फिर करेंगे कमेंट बॉक्स। हम आपको मिले थे ब्लॉगर जी,